अच्छी तरह चलाया था हमने, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ नहीं चल रहा है ना। पहले देखो यहाँ बोर्ड पे वोल्टेज क्या आ रहा है, सबसे पहला स्टेप यही लो, क्योंकि चलता हुआ फ्रिज था और यहाँ नहीं चल रही है। वोल्टेज मीटर लगाओ, एम्पेयर मीटर में प्लग आउट करो इसको, स्टेबलाइजर को, और चेक करो पहले। फर्स्ट स्टेप रेफ्रिजरेटर का टेस्टिंग का यही होता है। अब वोल्टेज हम देख लेते हैं कितने आ रहे हैं, देखो दोनों के दोनों। देख लो वोल्टेज सही तरह लगाओ, वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं, सही नहीं लगा, पिन सही लगाओ, बिल्कुल सही तरह टच होगा तो वोल्टेज इंडिकेशन देगा। अभी ये ऑटो जनरेट कर रहा है सब चीज़, बस सही तरह लोहे पे टच करो उसके, नहीं टच हुआ है, सब्र करो, तार तो नहीं हिल गया। अब चेक करो, हाँ कितना आ रहा है, 225, 225 ठीक है लिखा हुआ आ रहा है, 225, यानी कि हमारे बोर्ड पे वोल्टेज सही आ रहा है। अब फ्रिज का तार यहाँ से निकालो जी, उमर जाओ निकालो फ्रिज का तार निकालो, इसको ऑन करो और देखो ये कितने दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वोल्टेज सही नहीं दे रहा हो। स्टेबलाइजर का तार लगाओ, अब ये सप्लाई जब रेफ्रिजरेटर को पास आउट करेगा ना यहाँ से 3 मिनट बाद, हाँ ऑन है ऑन है, 3 मिनट बाद ये सप्लाई देगा। इस पर देखो इस पर वोल्टेज कितने आ रहा है, 225 ही आ रहा है या इससे कम आ रहा है, ये चेक करके बताओ मुझे। 3 मिनट के बाद देखो, ये एक चीज़ हमेशा याद रखो आप लोग, ठीक है, कभी भी कोई भी कंप्लेन आती है फ्रिज की तो फ़ौरन से प्लग लगा के चलाना ये मुनासिब नहीं है। जब इस तरीके की कंप्लेन आए कि यार फ्रिज में ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो आप लोग अपने स्टेप याद रखोगे, पहले घर के वोल्टेज चेक करोगे, फिर स्टेबलाइजर के साथ वोल्टेज चेक करोगे कितने आ रहे हैं। जब आपको सेटिस्फाई हो जाओ इस बात से कि वोल्टेज घर के और स्टेबलाइजर के स्टेबल हैं, सही हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, फ्रिज को चलाना है और फिर एम्पेयर मीटर एम्पेयर की कंटिन्यूटी पर रख के लगाना है रिले के साथ, फिर देखना है एम्पेयर कितने ले रहा है, ठीक है, वो बाद में स्टेप है, लेकिन पहले ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। अभी स्टेबलाइजर चलेगा फिर देखना वोल्टेज क्या आ रहे हैं, देखो स्टेबलाइजर ऑन हो गया और देखो आप वोल्टेज क्या आ रहे हैं यहाँ पर। पिन पूरी डाल, मैं गलत डाल रहा हूँ बेटा, यूँ डालेंगे, दिखाओ मेरे को, दिखाओ हटाओ ये, हाँ सही है, बड़ा जो होल है ना ये अर्थ है, ठीक है, ये न्यूट्रल फेज है, तो न्यूट्रल फेज में लगाओ अभी, हाँ डालो, दिखाओ मेरे को एम्पेयर मीटर, हाँ कितने आ रहे हैं, 225 नहीं आ रहे बेटा, 256 आ रहे हैं, यानी 225 आपके घर की लाइन में आ रहे हैं और 256 वोल्टेज ये स्टेबलाइजर दे रहा है, यानी ज़्यादा दे रहा है, तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और चेक करते हैं अपन कि स्टेबलाइजर, देखो यहाँ पर फ्रिज का प्लग लगाओगे, स्टेबलाइजर दोबारा बंद करोगे, यहाँ पर फ्रिज का प्लग लगाओगे और फिर जब कंप्रेसर स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा है फिर यहाँ पर चेक करोगे कि ये लोड पे कितने वोल्टेज ले रहा है, ठीक है। लाओ मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, आप नीचे वाले पिन पे लगा के रखो, ये फ्रिज आपका ऑन हो गया, अब नीचे देखो लोड पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, अब इसको बोलते हैं लोड पे चेक करना, कितने हो गया, 250 लोड पे भी, यानी कंप्रेसर हमने ऑन कर दिया इसके बाद भी वोल्टेज क्या आ रहे हैं, 250, यानी ये क्या है, ज़्यादा है, ठीक है निकालो, वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, इस चीज़ की क्लेरिफिकेशन हो गई, हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया, ये भी समझ में आ गया। अब हम जाके देखते हैं फ्रिज को, अब हम फ्रिज के पास बैठ जाते हैं, ठीक है, कंप्रेसर को देखो, बैठ जाओ अभी आप दोनों, अब कंप्रेसर आपका चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, कंप्रेसर ऑन है, एक्टिव है, आपका फ़िल्टर बिल्कुल चल रहा है, डिस्चार्ज जो है आपका देखो एक्टिव हो गया, गर्म हो रहा है, ये सारी लाइनें गर्म हो रही है। अब जब ये चीज़ें होंगी तो इसका मतलब ऑटोमेटिक स्विच वगैरह आपको नहीं चेक करना है, क्योंकि लाइन आने वाला मामला सही है, डेफिनेटली आपको वहाँ लाइनों को नहीं चेक करना है, वायरिंग को नहीं चेक करना है, क्योंकि करंट तो आ रहे हैं यहाँ, कंप्रेसर भी ऑन हो रहा है, सिर्फ एक क्या चीज़ नोट की हमने यहाँ पर, वोल्टेज कहाँ से ज़्यादा हो रहे हैं, स्टेबलाइजर से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। मज़ीद इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।